जी हाँ गाइस, अगर आप भी एक बिगिनर हो और ग्रो एप्लीकेशन में पहली बार शेयर्स को बाय और सेल करना चाहते हो तो मेरे भाई आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि गाइस इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपको प्रॉपर तरीका समझ आ जाएगा कि आखिर किस तरीके से ग्रो एप्लीकेशन पे आप भी शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हो। तो वीडियो काफी कमाल की और नॉलेजफुल होने वाली है, वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना, शुरू से लेके एंड तक फुल वॉच करना। तो चलिए स्टार्ट करते। तो सबसे पहले गाइस आपको ग्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अकाउंट बनाना होता है। अब अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से ग्रो एप्लीकेशन में डीमैट अकाउंट बनाया जाता है तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हो। इसमें मैंने आपको प्रॉपर लाइव डेमो के साथ बताया कि किस तरीके से आप स्टार्टिंग में ग्रो एप्लीकेशन में अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हो। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आपको ग्रो एप्लीकेशन में शेयर्स को बाय और सेल करना है। तो यहां पर मैं ग्रो एप्लीकेशन ओपन करूंगा और मेरे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर ऊपर की ओर आप चेक कर सकते हो आपको 8 से 9 इंडाइसेस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। इस तरीके से आपको 9 इंडाइसेस देखने को मिल जाते हैं जिनमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हो। अब आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप ग्रो एप्लीकेशन में पहली बार शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एड मनी करनी होगी, जिससे गाइस आप शेयर्स को बाय कर पाओ। तो उसके लिए आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर नीचे आप चेक कर सकते हो आपको एड मनी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है और मेरे वॉलेट में आप चेक कर सकते हो केवल 115 रुपीज अवेलेबल है। तो सिंपल यहां पर मैं एड मनी के ऊपर क्लिक करूंगा और आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आपको नीचे अमाउंट एंटर करना है। तो यहां पर आप अपने हिसाब से 100 रुपीज, 1000 रुपीज, 5000 रुपीज जितना भी ऐड करना चाहते हो अपने हिसाब से यहां पर आप ऐड मनी कर सकते हो। गाइस आज की इस वीडियो में मैं टोटल 50,000 रुपीज ऐड करूंगा। अब इसके पीछे का रीजन भी जान लो, क्योंकि गाइस कल से हम इन्हीं 50,000 रुपीज से अगले एक मंथ मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे और मैं आपको डेली रिपोर्ट प्रोवाइड करूंगा लाइव डेमो के साथ कि आज मेरा प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस, और मंथ एंड में हम कैलकुलेट करेंगे कि इन 50,000 रुपीज से वन मंथ में हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस। तो गाइस सीरीज से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे जरूर से सेट कर देना, ताकि गाइस जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके पास। अब 50,000 रुपीज एंटर करने के बाद नीचे आप चेक कर सकते हो आपको एड मनी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपल इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद आप चेक कर सकते हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। मुझे SMS के थ्रू यहां पर OTP वेरीफाई करना है और जैसे यहां पर मैं OTP वेरीफाई करूंगा मेरा पेमेंट हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से यहां पर मैं 50,000 रुपीज एड कर लेता हूं, सभी कुछ पेमेंट्स कर लेता हूं, फिर उसके बाद गाइस मैं आगे आपको बताता हूं। अब यहां पर गाइस आप चेक कर सकते हो पेमेंट वगैरह मैंने सभी कुछ कंप्लीट कर लिया। अब यहां पर आप चेक कर सकते हो मैं बैक आता हूं, बैक आने के बाद यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि 50,000 रुपीज मेरे अकाउंट में ऐड हो चुका है। आप चेक कर सकते हो वॉलेट बैलेंस 50,115 रुपीज हो चुका है। तो इसी तरीके से आप भी इजिली एड मनी कर सकते हो। अब गाइस जो हमारी 30 डेज सीरीज है वो कल से स्टार्ट होगी, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप भी पहली बार ग्रो एप्लीकेशन में शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हो। तो उसके लिए यहां पर आपको स्टॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, फिर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आपको ऊपर की ओर एक्सप्लोर सेक्शन में मोस्ट बॉट ऑन ग्रो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ग्रो आपको रिकमेंड करता है जो शेयर ज्यादा बाय किए जा रहे हैं, तो आप इनमें से किसी शेयर्स को बाय करना चाहते हो तो इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप किसी पर्टिकुलर शेयर्स को सर्च करके बाय करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। वो किस तरीके से, तो ऊपर आपको सर्च ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। मान लीजिए मुझे रिलायंस पावर वाला शेयर बाय करना है, तो यहां पर मैं रिलायंस पावर सिलेक्ट करूंगा, सर्च करूंगा और आप चेक कर सकते हो सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर मुझे रिलायंस पावर का जो शेयर है उससे रिलेटेड सभी कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी कि कितने लोग अभी इसको बाय कर रहे हैं, एक्सपर्ट की क्या रेटिंग है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या बता रही है और हमें इस शेयर्स को बाय करना चाहिए या फिर नहीं, तो सभी कुछ डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। तो किसी भी शेयर्स को, किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले आपको ये सभी कुछ चीजें चेक करना बहुत जरूरी है, जो कि मैं आगे आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। तो अभी फिलहाल आप चेक कर सकते हो, जैसे आप किसी शेयर्स को ओपन करते हो, स्टॉक को ओपन करते हो, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है, जहां पर ऊपर की ओर आपको इस शेयर की करंट प्राइस देखने को मिलती है। जैसे कि अभी फिलहाल आप चेक कर सकते हो रिलायंस पावर के शेयर की अभी फिलहाल की जो करंट प्राइस है वो 24.20, 24.25 इस तरीके से यहां पर ये मूवमेंट कर रही है। नीचे आपको ग्राफ पैटर्न देखने को मिल जाता है और ये आज के दिन शेयर कितना बढ़ा है या फिर कितना घटा है ये भी आपको देखने को मिल जाता है। तो आप चेक कर सकते हो लगभग 1% रिलायंस पावर का शेयर बढ़ा है, यानी कि 0.25 पैसे इसका रेट जो है वो बढ़ा है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद नीचे आपको कैंडलस्टिक और नॉर्मल ग्राफ पैटर्न देखने को मिल जाता है। आप नीचे 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर ओवरऑल यहां पर आप इसका परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। अगर आप स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो स्टॉक्स में भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, इसके ऊपर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूं। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, जहां पर आपको ओवरव्यू सेक्शन में परफॉर्मेंस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहां पर आप टुडेज लो टुडेज हाई चेक कर सकते हो, 52 वीक्स लो 52 वीक्स हाई चेक कर सकते हो। इससे आपको पता चल जाता है कि इस स्टॉक्स की प्राइस कितने नीचे तक गिरी थी और कितने ऊपर तक बढ़ी थी। तो आप इस तरीके से
परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद नीचे आपको मार्केट डेप्थ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको पता चल जाता है कि अभी फिलहाल मार्केट में स्टॉक्स को कितने परसेंट लोग बाय कर रहे हैं और कितने परसेंट लोग सेल कर रहे हैं। तो आप चेक कर सकते हो, लगभग 31-32% लोग इसे बाय कर रहे हैं और उससे कई ज्यादा लोग यानी कि लगभग 68-69% लोग अभी फिलहाल इस शेयर्स को सेल कर रहे हैं। और आप चेक कर सकते हो सेलिंग के परसेंटेज जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो अभी फिलहाल इसकी सेलिंग हो रही, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बस आपको समझना है। आप चेक कर सकते हो, आपको यहां पर सभी बिड प्राइस, आस्क प्राइस, बिड टोटल, आस्क टोटल यहां पर देखने को मिल जाता है कि कितने प्राइस पर लोग इसे बाय कर रहे हैं, कितने प्राइस पर इसे सेल कर रहे हैं। फिर उसके बाद नीचे आपको फंडामेंटल एनालिसिस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको गाइस आप अच्छे से एनालाइज करते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि आपको इस शेयर को बाय करना चाहिए या फिर नहीं। फिर नीचे आप चेक कर सकते हो, आपको फाइनेंशियल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आप इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू चेक कर सकते हो, प्रॉफिट चेक कर सकते हो, नेटवर्थ चेक कर सकते हो बाय ईयरली और क्वार्टरली। फिर उसके बाद आप चेक कर सकते हो, नीचे आपको अबाउट कंपनी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आप इस कंपनी से रिलेटेड बेसिक डिटेल देख सकते हो। फिर उसके बाद आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखने को मिल जाता है, जहां पर गाइस आपको रिटेल, प्रमोटर्स, फिर उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशन, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और नीचे आपको म्यूचुअल फंड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। इससे क्या पता लगाया जाता है, तो देखो रिटेल्स में क्या होता है, रिटेल्स में हम जैसे आम ट्रेडर्स आते हैं, आम इन्वेस्टर्स आते हैं, जिनके पास लगभग 62% शेयर्स है, इन्होंने 62% शेयर्स होल्ड कर रखे इस कंपनी के। प्रमोटर्स में आते हैं खुद कंपनी ओनर, जिनके पास 24% शेयर्स है, और इन इंस्टीट्यूशन में वो सभी एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स आते हैं, जिनको काफी नॉलेज है, काफी एक्सपीरियंस है, जिनके पास लगभग 7% शेयर्स है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में भी सेम, वही काफी एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स आते हैं, जिनके पास लगभग 5% शेयर्स है, और म्यूचुअल फंड में आप चेक कर सकते हो लगभग ना के बराबर है, 0.17% यहां पर म्यूचुअल फंड एजेंट के पास इसके शेयर्स। तो इस तरीके से आप शेयर होल्डिंग पैटर्न समझ सकते हो कि आखिर किस कैटेगरी में कितने परसेंट शेयर्स होल्ड किए गए। फिर उसके बाद नीचे आपको सिमिलर स्टॉक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब ये जो स्टॉक्स है ये एनर्जी में आता है, तो एनर्जी से रिलेटेड जितने भी सिमिलर स्टॉक्स है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं, तो इनको भी आप चेकआउट कर सकते हो। रिसेंटली विविड यानी कि अभी फिलहाल हमने जिन स्टॉक्स को व्यू किया है, देखा है, क्लिक किया है, वो आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद साइड में आप चेक कर सकते हो, आपको न्यूज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको शेयर से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड सभी कुछ रिसेंटली न्यूज या फिर ओल्ड न्यूज देखने को मिल जाती है जो स्टॉक से रिलेटेड हो। फिर उसके बाद आपको इवेंट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, अपकमिंग इवेंट्स वगैरह आपको यहां पर देखने को मिल जाता है, डिविडेंड जो निकलता है कंपनी की ओर से वो आपको यहां पर देखने को मिल जाता है, बोनस एंड राइट्स, फिर उसके बाद अनाउंसमेंट जो कंपनी करती है, अपकमिंग अनाउंसमेंट आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं, और लास्ट में आपको अदर एक्शंस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहां पर गाइस आपको ये सभी न्यूज देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये ओवरव्यू, न्यूज और इवेंट सेक्शन देखने को मिल जाता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि अभी फिलहाल हमें स्टॉक्स को, इस शेयर्स को बाय करना चाहिए या फिर नहीं। तो अभी फिलहाल यहां पर परसेंटेज आप चेक कर सकते हो, सेम वही हुआ है, 31% लोग अभी फिलहाल इसको बाय कर रहे हैं और 68% लोग इसको सेल कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल हमें इसको बाय करना है, क्योंकि गाइस मुझे यहां पर आपको एक लाइव डेमो दिखाना है कि किस तरीके से शेयर्स को बाय किया जाता है और सेल किया जाता है, इसमें मेरा प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको समझ में आ जाए यही मेरे लिए काफी है। तो अभी फिलहाल आप चेक कर सकते हो हमें इस शेयर्स को बाय करना है, तो बाय करने के लिए नीचे आपको बाय बटन देखने को मिल जाता है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर ऊपर की ओर आपको स्टॉक्स की करंट प्राइस देखने को मिलेंगी, जो कि 24.20-24.15 यानी कि लगभग 24 से 24.50 के आसपास इसकी प्राइस चल रही है। अब नीचे आप चेक कर सकते हो, आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, डिलीवरी और इंट्राडे। अब इनका क्या मतलब होता है तो समझ लीजिए, डिलीवरी का मतलब होता है डिलीवरी में आप जो भी स्टॉक्स बाय करोगे उसे आप लॉन्ग टाइम तक होल्ड कर सकते हो, जब आपको लगता है कि अभी फिलहाल मुझे यहां पर इसको सेल करना है तब आप सेल कर सकते हो, आपको लगता है सेल नहीं करना है, इसे होल्ड करना है, तो आप लॉन्ग टाइम तक इसे होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट वही अगर आप इंट्राडे में ट्रेड बाय करते हो या फिर शेयर्स को बाय करते हो तो उसे गाइस आपको आज ही के दिन सेल भी करना होता है। तो इस तरीके से दोनों में ये डिफरेंस होता है, इंट्राडे में आप यहां पर शेयर्स को, स्टॉक्स को होल्ड नहीं कर सकते हो, वही डिलीवरी में आप लॉन्ग टाइम तक होल्ड कर सकते हो, और जब आपको लगे कि प्रॉफिट हो रहा है, अभी फिलहाल मुझे इसे सेल करना है, तो आप उसे सेल कर सकते हो। फिर उसके बाद नीचे आपको क्वांटिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एनएसई और बीएसई। इनका क्या मतलब होता है, तो एनएसई का मतलब होता है नेशनल स्टॉक्स एक्सचेंज और बीएसई का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक्स एक्सचेंज। तो यहां पर हम एनएसई रहने देंगे। फिर उसके बाद यहां पर आप चेक कर सकते हो आपको क्वांटिटी एंटर करनी है, तो अभी फिलहाल 24.20-24.15 इसकी प्राइस चल रही है, तो यहां पर हम एक एंटर करेंगे। अगर एक क्वांटिटी में बाय करता हूं तो आप चेक कर सकते हो मुझे ₹25 पे करने, और यहां पर अवेलेबल बैलेंस आप चेक कर सकते हो 50,000 से भी ज्यादा बैलेंस अवेलेबल है। तो यहां पर चलिए हम टोटल 50 क्वांटिटीज बाय कर लेते हैं, 50 क्वांटिटीज यानी कि गाइस यहां पर हम 50 शेयर्स बाय कर लेते हैं, जिन्हें गाइस यहां पर बाय करने के लिए हमें अराउंड ₹1,223 पे करने होंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है।
किस तरीके से आप बाय किए गए शेयर्स को सेल कर सकते हो वो भी मैं आगे आपको लाइव डेमो के साथ बताऊंगा। अब आप चेक कर सकते हो, नीचे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है प्राइस मार्केट। अब यहां पर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको लिमिट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहां पर आप प्राइस लिमिट भी सेट कर सकते हो, जैसे कि मान लो इसकी प्राइस चल रही है 24.15, 24.10, तो मैं चाहता हूं यहां पर मैं इसको 24.5 में यहां पर बाय कर लूं। तो यहां पर मुझे एंटर करने होंगे 24.05, यहां पर जैसे मैं एंटर करूंगा तो जैसे ही इसकी प्राइस 24.5 तक आ जाती है तो मेरा शेयर्स ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। तो यहां पर आप चेक कर सकते हो, नीचे बाय बटन देखने को मिलता है, इसके ऊपर मुझे क्लिक करना है और यहां पर मेरा ऑर्डर जो है वो पेंडिंग में चला जाएगा। आप चेक कर सकते हो बाय ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब डन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, जैसे मैं डन के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पर आप चेक कर सकते हो आपको ऑर्डर्स में ये रिलायंस पावर वाले हमारे 50 शेयर्स देखने को मिल जाएंगे। फिर यहां पर आप होल्डिंग्स के ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पर आप चेक कर सकते हो कोई भी अभी फिलहाल यहां पर होल्डिंग्स नहीं बता रहा है, क्योंकि गाइस यहां पर अभी फिलहाल इसकी जो हमने प्राइस लिमिट सेट की थी वो प्राइस लिमिट यहां तक नहीं पहुंची, यानी कि 24.5 तक ये प्राइस लिमिट नहीं पहुंची है, 24.10, 24.15 इस तरीके से इसकी प्राइस चल रही है। अब अगर आप इसे मॉडिफाई करना चाहते हो और मार्केट प्राइस पर इसे बाय करना चाहते हो तो बहुत ही सिंपल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, नीचे मॉडिफाई का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब सिंपल, अब यहां पर आपने लिमिट सेलेक्ट किया था तो यहां पर आपको मार्केट सेलेक्ट करना है, और जैसे मार्केट आप सेलेक्ट करोगे नीचे आपको मॉडिफाई बाय का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सिंपल यहां पर मैं मॉडिफाई बाय के ऊपर क्लिक करूंगा, डन के ऊपर क्लिक करूंगा और आप चेक कर सकते हो होल्डिंग्स में हमें यहां पर ये 50 शेयर्स देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आप चेक कर सकते हो हमने इन्वेस्ट किए 1207 यानी कि 1207 रुपीज हमने इन्वेस्ट किए। और अभी फिलहाल आप चेक कर सकते हो करंट प्राइस, आप चेक कर सकते हो इसकी 1207 1205, इस तरीके से यहां पर ये मार्केट जैसे मूव करता है वैसे प्राइस नीचे ऊपर होती रहती, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरीके से यहां पर आपको स्टॉक्स को बाय करना होता है, इजी तरीका है, सिंपल आपको समझ लेना है कि यहां पर फंडामेंटल एनालिसिस किया है या फिर परसेंटेज बाय रेशियो सेल रेशियो आप चेक कर सकते हो या फिर एक्सपर्ट रेटिंग से आप पता लगा सकते हो कि अभी फिलहाल इसको आपको बाय करना चाहिए या फिर नहीं, या फिर आप खुद का कुछ एनालिसिस करते हो तो वो भी काफी बेस्ट होता है। अभी फिलहाल आप चेक कर सकते हो 1207 में हमने इसको बाय किया था, 1210 इसकी लगभग प्राइस हो गई, तो यहां पर आप चेक कर सकते हो केवल 5 पैसा यहां पर इसकी प्राइस इंक्रीज हुई, हमें 2.50 रुपीस का प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। तो यहां पर इस तरीके से आपको प्रॉफिट और लॉस देखने को मिलता है। अब मान लो मुझे स्टॉक को होल्ड नहीं करना है, मुझे सेल करना है, तो सेल करने के लिए गाइस आप चेक कर सकते हो यहां पर आपको पोजीशन पर क्लिक करना है, नीचे आपको सेल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सिंपल इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपको क्वांटिटी एंटर करनी है। अब 50 स्टॉक्स 50 शेयर्स हमारे पास अवेलेबल है रिलायंस पावर के, तो अगर मैं टोटल 50 सेल करना चाहता हूं तो मुझे यहां पर 50 एंटर करने और सेल के ऊपर क्लिक करना है, मेरा यहां पर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और मेरी जो 50 क्वांटिटीज है वो एक साथ सेल हो जाएंगी। बट मान लो मुझे यहां पर 25 ही सेल करने, तो यहां पर मैं 25 एंटर करूंगा और यहां पर सेल के ऊपर क्लिक करूंगा तो 25 सेल हो जाएंगे और 25 गाइस मेरे पास होल्डिंग में रहेंगे। तो अभी फिलहाल गाइस यहां पर हमें टोटल सेल करना है, तो यहां पर गाइस मैं 50 एंटर कर लेता हूं, फिर उसके बाद नीचे सेल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहां पर आप मार्केट प्राइस और प्राइस लिमिट भी सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको यहां पर सेल का ऑर्डर बनाना होता है। अब आप चेक कर सकते हो, मैं सेल के ऊपर क्लिक करूंगा और आप चेक कर सकते हो सेल ऑर्डर सक्सेसफुल लिखा आ चुका है। अब डन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहां पर आप चेक कर सकते हो होल्डिंग में से सभी कुछ गायब हो चुका है। ऑर्डर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और आप चेक कर सकते हो यहां पर हमने 24.15 पैसे में यहां पर 50 शेयर्स बाय किए थे और 24.15 पैसे में हमने इसको सेल भी किया है। तो यहां पर हमारा ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। यहां पर मैं आपको बैलेंस भी चेक करा दूं तो आप चेक कर सकते हो यहां पर 50,110 रुपीस यहां पर हमारा बैलेंस एज इट इज अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप इजी तरीके से ग्रो एप्लीकेशन में शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हो। बाकी गाइस कल से हमारी 30-day सीरीज स्टार्ट होने वाली, जिसमें गाइस मैं आपको 50,000 रुपीस से मार्केट में लाइव ट्रेडिंग करके बताऊंगा। अगर मुझे लॉस होता है तो मैं आपको वो भी बताऊंगा, अगर प्रॉफिट होता है तो वो भी बताऊंगा, और ये आपके लिए काफी नॉलेजफुल और काफी कुछ आप इससे सीख सकते हो। तो जरूर से इस सीरीज को वॉच करना, काफी कुछ आपको यहां पर सीखने को मिल सकता है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप ग्रो एप्लीकेशन में पहली बार शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।